गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फिफ्थ का EVS का लेसन 8 मच्छरों की दावत पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज के चैप्टर में हम मच्छरों के बारे में पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि मच्छरों से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। स्पेशली मलेरिया के बारे में बेटा हम जानेंगे कि मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है। सभी मच्छरों के काटने से बेटा मलेरिया नहीं होता है। मलेरिया फैलता है मादा एनोफिलीज नामक एक मच्छर के काटने से। इसके अलावा हम जानेंगे कि हम मच्छरों से बचने के लिए कौन से घरेलू उपाय करते हैं और मलेरिया किस मौसम में अधिक होता है। तो आइए बेटा, यहाँ पर हम अब चैप्टर की रीडिंग करना शुरू करते हैं। इस चैप्टर में बेटा एक बच्चा है रजत, जिसको कुछ दिन पहले मलेरिया हो गया था। तो अब ये बच्चा काफ़ी दिन बाद जब स्कूल आया है ठीक होकर, तो सभी बच्चे इसको घेर कर खड़े हैं। जैसे आपका कोई फ्रेंड बीमार होता है और बहुत दिन से स्कूल आता है, तो आपको भी बहुत सारे उससे पूछना होता है ना कि वो कैसा है। तो यहीं सब इसके फ्रेंड्स इसको घेर के खड़े हैं। तो आइए जानते हैं ये इससे क्या बातें करते हैं। स्टार्टिंग में दिया हुआ है मलेरिया की जाँच। आज रजत बहुत दिनों के बाद स्कूल आया है। सभी बच्चे उसे घेर कर खड़े हो गए। आरती ने पूछा, अब तुम कैसे हो? ठीक हूँ, रजत ने धीरे से जवाब दिया। तो जसकीरत कह रही है, घर पर तो खूब खेलते होगे। तो रजत कुछ चिढ़कर बोला, बुखार में खेलने का दिल ही नहीं करता, ऊपर से कड़वी दवाई भी खानी पड़ी और खून टेस्ट भी करवाना पड़ा। तो जसकीरत कहती है, खून टेस्ट? वह क्यों, बहुत दर्द हुआ होगा? तो रजत कहता है, नहीं, जब सुई चुभी तो ऐसे लगा जैसे किसी चींटी ने काटा हो। दो तीन बूंद खून टेस्ट करने से पता चला कि मुझे मलेरिया है। अब आपको पता चल रहा है बेटा कि जब किसी को मलेरिया होता है तो उसका पता हमें ऐसे ही नहीं चलता है। इसके लिए हमें अपने खून की जांच करवानी पड़ती है। और जब खून की जांच की रिपोर्ट आती है, यानी हमारे ब्लड टेस्ट की जब रिपोर्ट आती है, अगर उसमें लिखा होता है कि आपके खून में मलेरिया के जीवाणु पाए गए, तो इसका मतलब है हमें मलेरिया है, और अगर नहीं है तो हमें मलेरिया नहीं है। और बेटा आपको मैं बात बताती हूँ कि मलेरिया जो होता है उसके कुछ लक्षण होते हैं, जैसे सर्दी लगना, बुखार होना और बेचैनी होना। ये कुछ बेटा मलेरिया के लक्षण हैं जो कि मनुष्य यानी जो मलेरिया का रोगी होता है उसमें होते हैं। और बेटा जो मलेरिया की दवाई होती है वो एक पेड़ होता है, सिनकोना पेड़, उसके छाल से बनाई जाती है, जिसको आजकल मार्केट में भी उपलब्ध है, जिसका नाम है क्लोरोक्वीन। तो ये जो क्लोरोक्वीन नामक दवा है बेटा, ये मलेरिया के उपचार के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो रजत कहता है, मलेरिया हाँ, पर पता तो खून की जांच से ही चलता है ना। तो जसकीरत कहती है कि मेरे घर में तो बहुत मच्छर हैं पर मुझे तो मलेरिया नहीं हुआ। तो नैन्सी कह रही है कि अरे भाई, मलेरिया हर मच्छर के काटने से थोड़े ही होता है, वह तो बीमारी वाले मच्छर से होता है। मैंने आपको बताया ना, मादा एनाफिलिस से होता है। आरती कहती है, मुझे तो सारे मच्छर एक ही जैसे लगते हैं। तो रजत कहता है, होते तो अलग अलग होंगे ना बेटा, देखने से सभी मच्छर एक जैसे होते हैं। क्योंकि देखने से बेटा सभी मच्छर एक जैसे होते हैं। नेक्स्ट पेज पे नैन्सी कह रही है, क्या उसी जगह से खून लिया था जहाँ मच्छर ने काटा था? तो नहीं बेटा, क्योंकि हमें पता नहीं चलता है ना कि मच्छर ने किस जगह काटा है। तो रजत भी यही बात बोल रहा है कि नहीं भाई, मच्छर ने कब और कहाँ काटा ये तो मुझे भी नहीं पता। तो नैन्सी कह रही है, खून में क्या दिखा होगा, उसमें क्या होगा जिससे मलेरिया का पता चल पाया? बेटा आप यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हैं ना, दो तस्वीर यहाँ पे दी हुई हैं। जो पहली वाली पिक्चर आप देख रहे हैं, इसमें आपको नज़र आएगा कि ब्लड टेस्ट यानी खून का सैंपल लिया जा रहा है। ये जो कांच की स्लाइड है, इसके ऊपर खून का सैंपल लिया जाता है और उसके बाद में लैब में उसको जांच के लिए भेजा जाता है। दूसरी पिक्चर में देखिए बेटा, डॉक्टर मरियम है, उसको माइक्रोस्कोप से देख रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रोस्कोप होता है बेटा सूक्ष्मदर्शी, जिससे कि कोई भी वस्तु हज़ार गुना ज़्यादा बड़ी दिखती है। इसलिए माइक्रोस्कोप से हमें खून में क्या है, खून के अंदर की बारीकियां साफ देखी जा सकती हैं। अब
आप पहली पिक्चर पर आइए। मैंने आपको बताया था ना कि मलेरिया जो होता है कौन से मच्छर के काटने से फैलता है, मादा एनाफिलीज के। तो आप देखिए इस पिक्चर के नीचे लिखा हुआ भी है कि मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलीज से फैलता है। याद रहेगा सबको कौन से मच्छर से, मादा एनाफिलीज से फैलता है। और इसकी दवाई कैसे बनती है, सिंकोना पेड़ की छाल से बनती है। और दवाई का नाम क्या है, क्लोरोक्वीन। याद रहेगा सबको, वेरी गुड। नेक्स्ट यहाँ पे बेटा क्वेश्चन दिया हुआ है, पता करो। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है तो आइए हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे पहले बेटा एक क्वेश्चन है कि आपको अपने आसपास किसी से मालूम करना है कि उन्हें क्या मलेरिया है, तो ये आप अपने आस पड़ोस से पता करेंगे। सेकंड पूछा गया है कि मलेरिया होने पर क्या तकलीफ होती है, तो ठंड लगकर बुखार आता है और इसके अलावा बेचैनी या घबराहट होती है, किसी किसी को सर दर्द भी रहता है। तीसरा है मच्छरों के काटने से और कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। मच्छरों के काटने से बेटा मलेरिया के अलावा चिकनगुनिया, डेंगू, फाइलेरिया, इस तरह की बीमारियां मच्छरों के काटने से होती हैं। नेक्स्ट है कौन से मौसम में मलेरिया ज़्यादा फैलता है और क्यों। बरसात के मौसम में बेटा मलेरिया ज़्यादा फैलता है क्योंकि बरसात के दिनों में पानी इधर उधर गड्ढों में या पुरानी टंकी या पुराने मटके रखे रहते हैं या कूलर में जमा रहता है कई दिनों तक। उस पानी को जब पानी कई दिनों तक उसमें भरा रहता है तो उनमें क्या होता है, मच्छर अंडे देते हैं और उससे क्या होता है, मलेरिया के मच्छर फैलते हैं। इसलिए बरसात के मौसम में मलेरिया ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है मलेरिया से बचने की, सॉरी मच्छरों से बचने के लिए आप घर में क्या क्या उपाय करते हैं। तो हम मच्छरदानी का उपयोग करते हैं, अपने घरों में आसपास पानी जमा नहीं होने देते हैं। इसके अलावा हम गुड नाइट, फ्लैश कार्ड, ऑल आउट, ये सब मशीनें। नेक्स्ट पेज पे बेटा यहाँ पे जो रजत को मलेरिया हुआ था तो उसकी खून की जांच कराने पर जो रिपोर्ट आई थी उसकी तस्वीर यहाँ पे दी हुई है। इसमें रजत का नाम है, उसकी उम्र है और यहाँ पर देखिए कि रोग की पहचान कैसे हुई है। तो रोग की पहचान हुई है ठंड लगकर कपकपी के साथ बुखार, यानी ये उसके लक्षण थे। और नीचे देखिए बेटा लिखा हुआ है खून में मलेरिया के जीवाणु पाए गए। तो समझ में आया आपको कि खून की जांच कराने पर ये लिखा आने पर, यानी ये लाइन खून में मलेरिया के जीवाणु पाए गए, इससे पता चला कि मरीज को मलेरिया है। साइड में यहाँ पे देखेंगे बेटा आपको मलेरिया की दवाई के बारे में दिया हुआ है कि मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिंकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पहले तो लोग क्या करते थे बेटा, पहले के समय में साधन कम होते थे तो लोग क्या करते थे, इस छाल को, इस पेड़ की छाल को उबालकर पीते थे, मतलब इसका जो इसको छान लेते थे और फिर पीते थे। लेकिन आजकल सबके पास साधन हैं, इतनी सारी मशीनें आ गई हैं तो दवाई बनाई जाती है और दवाई का इस्तेमाल मलेरिया को दूर करने के लिए या उससे ठीक होने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेटा आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम एनीमिया के बारे में जानेंगे कि एनीमिया क्या है। तो आप इस चैप्टर को जितना मैंने पढ़ा है बेटा उसको ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ेंगे, अपनी बुक्स को ओपन कर लेंगे, यानी अपनी बुक्स को आप खोलेंगे। जैसे ही हमने चैप्टर पढ़ना शुरू किया था उसी समय आप अपने बुक्स को खोल लेंगे और उसकी रीडिंग करेंगे। मेरे अपने वीडियो देखने के बाद में भी आपको चैप्टर को अच्छे से रीड करना है बेटा, उसको समझने की कोशिश करना है। ठीक है बेटा, थैंक यू, बाय।